हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम यू ऑल टू द वॉकिंग स्टार। ओके, वॉकिंग स्टार में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और वॉकिंग ट्रैक की हालत देखकर आप समझ चुके होंगे कि बारिश हुई है। सरप्राइजिंगली बारिश चल रही है, मौसम काफ़ी सुहाना है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गया था आज वॉक करने के लिए। बट यहाँ आते ही बारिश शुरू हो गई। ऑलरेडी एवरेज टेम्परेचर विंटर में यहाँ 10 to 12 degree है, काफ़ी ठंड है, और उसमें बारिश हो जाना तो ठंड काफ़ी बढ़ गई है। बट हमें तो हमारा फिटनेस गोल अचीव करना है, बारिश हो या कितनी भी ठंड हो, जोक्स अपार्ट, सेफली एनवायरनमेंट में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा ठंड लगे या सर्दी वगैरह हो जाए, कफ एंड कोल्ड, उससे भी हमें बचना है। सो ट्रैक काफ़ी गीला है, चलने में थोड़ी दिक्कत होगी। ओके, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर हार्ड सैंड है, जैसे आप देख सकते हो, काफ़ी मुश्किल होता है यहाँ चलना। बट अब मुझे आदत हो गई है, स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया यहाँ पर, बट धीरे धीरे जैसे आप कंसिस्टेंट रहते हो, ऑनेस्ट रहते हो, सो आपको आदत हो जाती है। इसीलिए इंग्लिश में बहुत अच्छी एक कहावत है, कहावत क्या, आप तो यूनिवर्सल फैक्ट बन गया है बहुत सी जगहों पर, कि इट टेक्स 21 days टू मेक अ हैबिट एंड 90 days टू मेक इट अ लाइफ स्टाइल। सो वही है, 3 weeks 21 days में आपको आदत लग जाएगी नए हैबिट की, और उसके बाद 90 days में, 3 months में वो आदत आपके लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाएगी। सो वॉकिंग का भी सेम है, वॉकिंग इज़ नो एक्सेप्शन। सो काफ़ी एफर्टलेस एक्टिविटी है, और मेरा काम है आपको मोटिवेट करना। ओके, आप अगर मोटिवेट होके वॉक करोगे तो आपको ही उसका बेनिफिट है एट द एंड ऑफ द डे। ओके, काफ़ी हेल्दी हैबिट है, सो ओवरऑल हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी उससे। और थोड़ा वाटर का नज़ारा, बारिश का नज़ारा देख आप देख सकते हो, काफ़ी ग्रे क्लाउड हो चुका है। ओके, मुझे ऐसा फील आ रही है कि इंग्लैंड में क्रिकेट मैच चल रहा है और बारिश होते जा रही है। ओके, इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हम सब जानते ही है। सो एज़ यू कैन सी, आज कोई भी नहीं है पूरे पार्क में, आज बारिश के वजह से कोई आया ही नहीं है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। बट मुझे बारिश का मौसम काफ़ी पसंद आता है, स्पेशली सैंड की जो खुशबू होती है बारिश के बाद, सो नॉस्टैल्जिक फील कराती है, चाइल्डहुड डेज याद आता है। सो वही है, आप भी रिलेट कर सकते हो इन सब चीज़ों से, मुझे उम्मीद है, बिकॉज़ हम लोगों के लिए छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है। सो वही है, और बारिश थोड़ी तेज़ हो रही है, बट रेन वॉकिंग इज़ रियली कूल एंड आई एम एंजॉइंग इट थॉरली। सो वही है गाइस, और आज है 4 जनवरी 2021, और आज भी मेरा टारगेट सेम है 10,000 steps का। बट आप जैसे देख सकते हो, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, सो मुझे लगता है आज वो पॉसिबल नहीं होगा। बट वो कहते हैं ना, यू शुड ऑलवेज हैव सम बैकअप, तो मेरे पास एक बैकअप है रेडी। ओके, बट मैं इंस्टाग्राम पर आज पोस्ट नहीं कर पाऊँगा कि मैंने 10,000 steps कंप्लीट की, जैसा मैं डेली अपडेट करता हूँ, बिकॉज मैं हमारा जो बचा हुआ वर्कआउट है वो कंप्लीट करूँगा स्टेशनरी बाइक पर, इंडोर बाइक जो होती है। सो इनकेस अगर मैं किसी दिन वॉकिंग ना कर पाऊँ तो मैं स्टेशनरी बाइक पर मेरा कार्डियो कर लेता हूँ। सो 50 minutes का टारगेट रहेगा मेरा साइकिलिंग का, सो उसकी ग्लिम्स भी मैं ऐड कर दूंगा वीडियो में, मर्ज कर दूंगा दोनों वीडियो को, सो आप देख लेना मेरी आज की प्रोग्रेस भी। सो वही है गाइस, और इन बिटवीन हमारा थर्ड राउंड चल रहा है, और इस ग्राउंड की मैंने आपको खासियत बताई थी कि 300 steps मिलाकर एक राउंड कंप्लीट होता है, 1 lap।
ऑफ दिस ग्राउंड इक्वल्स योर 300 स्टेप्स. सो फोर राउंड्स इज बेसिकली मीन्स योर वर्चुअल वॉक ऑफ 1 किलोमीटर. सो वही है, 4 राउंड चल लो 1 किलोमीटर चल जाओगे. मैं वैसे 20 राउंड चलता हूँ 5 किलोमीटर्स यहाँ पर. सो काफ़ी अच्छा लगता है और अभी भी अच्छा लग रहा है मुझे, बारिश तेज हो रही है तो. सो आप भी देख सकते हो बर्ड्स के प्यारे प्यारे साउंड्स आपको सुना ही आ रहे होंगे. सो वही है नेचर की ब्यूटी, नेचर सबों का ख्याल रखता है वैसे. सो वही है, बर्ड्स को भी खुश होने का मौका मिल जाता है बारिश वगैरह हुई तो. सो वही है गाइस, आज बास्केटबॉल कुछ बच्चे लेके आए थे खेलने के लिए यहाँ पर, बट बैडमिंटन कोर्ट भी आज पूरा खाली है. और पूरा जो ये है हमारा एरोबिक अरीना, ये भी पूरा खाली है. सो काफ़ी खाली खाली लग रहा है, बट एनीवेज आज अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आज तो वर्कआउट को ब्रेक दे देना चाहिए बिकॉज बारिश बहुत ज़्यादा है और हमें कफ एंड कोल्ड से बचना है. सो गाइज, मैं आपसे ये कह रहा था कि इनकेस अगर ये वीडियो आपको कहीं से दिख जाता है, रैंडमली यूट्यूब सजेस्ट कर देता है, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिकॉज आप मोटिवेट होते रहोगे. आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं भी मोटिवेट होते रहूँगा. और फिट इंडिया मूवमेंट जो है, सो इसमें हम साथ मिलके कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे बिकॉज वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम. सो हमें शुरुआत तो खुद से ही करना है. ओके और ये सब चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे हमें ही बेनिफिट करने वाली है, हमारे ओवरऑल हेल्थ को. ओके सो हेल्थ इज रियल वेल्थ. सो हमें हेल्दी रहना है. सो उसी के लिए ये कोशिश है वॉकिंग स्टार MS30 जो मेरा चैनल है, इसकी तरफ से कि आप सब मोटिवेट होते रहो और हम लोग फिट इंडिया मूवमेंट में थोड़ा कंट्रीब्यूट करें. और बात ऐसी होती है, इंडिया तो इतनी बड़ी कंट्री है हमारी, बट अगर हम खुद थोड़े मोटिवेट होकर कुछ ठान लेते हैं, फिटनेस रेजिम स्टार्ट करना ये वो, तो हमारे सोसाइटी के जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं वो भी इंस्पायर होते हैं फिटनेस रेजिम स्टार्ट करने के लिए. आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, काफ़ी लोगों को आप इंस्पायर कर सकते हो डायरेक्टली और इन इनडायरेक्टली वे. क्योंकि अगर आपको कोई देखता है वर्कआउट करते हुए, सो सामने वाले को लगता है कि हाँ, खुद की केयर ली जा रही है, खुद के हेल्थ के तरफ फोकस किया जा रहा है. सो आप इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो अपने साथ बहुत से लोगों को. सो फ्रेश ग्रीनरीज गाइज. और फोर्थ राउंड भी अब कंप्लीट होने वाला है, मीन्स 1 किलोमीटर वर्चुअल वॉक हो जाएगा. और लकीली बारिश भी रुक चुकी है. सो बारिश रुक चुकी है तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम जितनी स्टेप्स कवर कर सकता हूँ उतनी कर लूँगा. फिर स्टेशनरी बाइक पर उतना मुझे कम वर्कआउट करना पड़ेगा. सो फिलहाल तो बारिश रुक गई है, दैट इज़ गुड साइन फॉर मी. सो वही है, रेन वॉकिंग एक्सपीरियंस करना भी अपने में ही एक बेहद अच्छा एक्सपीरियंस है. बैडमिंटन कोर्ट खाली है, आज लाइट्स भी नहीं लगे. लाइट्स काफ़ी जल्दी लग जाते हैं वैसे हमारे पार्क में. सो वही है, कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था 3 जनवरी वाला, सो उसमें हमने बात की थी फ्रूट्स के बारे में और गुड स्लीप के बारे में. और वाटर भी बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, मैंने आपको बताया था. आज एक एडिशनल पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं शुगर के बारे में, जो हमारी वाइट शुगर होती है. ओके जो हम चाय कॉफ़ी में बिना काउंट किए मिला के 5 बार जो टी लवर्स होते हैं, 5-10 बार वो चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं. बहुत से लोगों को दही शक्कर पसंद होता है तो कर्ड में मिलाकर भी वो शक्कर ले लेते हैं. बट अगर वो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो वो शुगर कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है बॉडी में. और अगर एनर्जी एक्सपेंडिचर कम है
तो बॉडी उस शुगर को फैट्स में भी कन्वर्ट कर देती है। सो उससे वेट गेन, ओबेसिटी, ये सब प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। सो मैं आपको शुगर इंटेक बता देता हूँ, आइडियल जो आपका रहना चाहिए पर डे का, और वो अमेरिकन मेडिकल रिसर्च टीम ने रिसर्च करके बताया है कि 6 टेबल स्पून, ओके, 6 चम्मच से ज़्यादा शुगर आपके बॉडी में नहीं जाना चाहिए, इवन इफ यू आर वर्किंग आउट रेगुलरली, ओके, 6 स्पून्स इज योर लिमिट, आपकी अपर लिमिट है, उससे ज़्यादा आपको कंज्यूम नहीं करना है, ओके, सो एकदम स्टॉप कर देना है शुगर, नहीं, मैं ये सजेस्ट नहीं करता, एकदम स्टॉप तो करना ही नहीं है किसी भी चीज़ को। बहुत से लोग वेट कम करने के लिए ड्रास्टिक चेंजेस करते हैं, शुगर एकदम स्टॉप कर देते हैं शुगर का इंटेक, सो वो नहीं करना है हमें, लिमिट करना है। आप चाय बनाते हो, सिंपली क्या करो, चाय में पहले शुगर ऐड मत करो, पहले नॉर्मल चाय बना लो और उसके बाद फाइनली उसमें 1-2 स्पून मैक्स ऐड करो शुगर और फिर चाय का मज़ा लो। कॉफ़ी भी ऐसे ही लो, मिल्क में आपको शुगर चाहिए तो ऐसे ही लो, बट छोटा रूल बना लो, 6 चम्मच से ज़्यादा शक्कर मत जाने देना बॉडी में। अब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होते हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, बट इन जनरल जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं तो एक बॉटल जो होती है उसमें तकरीबन होती है 40 स्पून एडेड शुगर। सो आप अंदाज़ा लगा लो कितने हार्मफुल है आपके लिए कोल्ड ड्रिंक्स और सो कॉल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स भी, जो मेंशन भी करते हैं कि शुगर नहीं है, शुगर फ्री है, बट वैसा नहीं होता है गाइस, उसमें प्रिजर्वेटिव्स, इमल्सीफायर्स, ये सब होते ही है। सो देखते ही देखते हमारा 5th राउंड स्टार्ट हो गया है और शुगर की बात कर रहे थे तो वही है, लिमिट कर लो इंटेक, कम मत करो एकदम और बंद भी मत करो। और शुगर के और अल्टरनेटिव भी है, जैसे जो ग्लाइसिमिक इंडेक्स होता है शुगर का, वाइट शुगर का, तो काफ़ी ज़्यादा होता है, सो उससे अच्छा अल्टरनेटिव है आपके लिए ब्राउन शुगर लेना। उससे अच्छा अल्टरनेटिव है सबसे स्टेविया लेना, स्टेविया लीव्स होते हैं, सो उसका ग्लाइसिमिक इंडेक्स 0 होता है, सो वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके पास। सो स्टेविया लीव्स आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट यहाँ पर मिल जाएगा आराम से, सो आप सर्च कर सकते हो, उन्हें बुला लो, मिठास रहेगी खाने पीने में और आपको अच्छा भी लगेगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी उसकी भी, सो वो बेटर ऑप्शन है अनमाइंडफुल शुगर ईटिंग करने से अच्छे। सो हमेशा काउंट करो शुगर की क्वांटिटी और उस हिसाब से अपना डाइट प्लान डिज़ाइन करो। शुगर का इंटेक अगर आप लिमिट कर लेते हो सो ये बहुत आपको फ़ायदा करेगा, 2-3 महीने में ही आप इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स देखने लगोगे। ओके, मैं फिर एक बार बता दूँ, मैंने शुगर स्टॉप करने के लिए नहीं बोला है, इंटेक कम करने के लिए बोला है, बिकॉज अगर कोई ये सोचता है कि शुगर अगर बंद ही कर दे तो, सो मैं बता देता हूँ, अगर आप डायरेक्टली वाइट शुगर लेना बंद भी कर देते हो तो भी जो आपके अदर सोर्सेस है, फ्रूट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, सो यहाँ से भी आपके बॉडी में शुगर जाएगी ही। ओके, सो वही है, शुगर एकदम आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, ज़रूरी भी है बॉडी के लिए, सो उतना आपको ध्यान में रखना है। ट्राई करके देखो, स्टेविया लीव्स लेके देखो, ब्राउन शुगर लेके देखो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, या ऑप्शन नहीं है तो वाइट शुगर ही लो, बट 6 चम्मच मैक्सिमम लिमिट रखो। सो वही शुगर का पॉइंट है, आप ट्राई करके देखो, ये चीज़ डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी और आप मुझे कमेंट करके 2-3 महीने बाद बताओगे कि रियली आपको मेरी इस टिप से बेनिफिट मिला है, और इस टिप को शेयर भी करना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इसमें। सो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी, और अब हमारा 6th राउंड भी कंप्लीट हो गया है आपसे बातें करते करते, सो 15 मिनट्स हो गए हैं मुझे यहाँ आकर,
और बारिश मॉडरेटली चल ही रही है, सो मैं 4 राउंड्स और कंप्लीट करूँगा, 10 राउंड्स, और फिर आज का जो वॉकिंग शेड्यूल है मेरा वो यही स्टॉप करूँगा, और फिर बचा हुआ जो वर्कआउट है मेरा वो स्टेशनरी बाइक पर कंप्लीट करता हूँ। सो वही है, आपसे आज अच्छी अच्छी बातें करना थी, टिप्स शेयर करना थी, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ओके, एक राउंड और कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, और उसमें कुछ टिप्स और आपको दे देता हूँ। वाटर जो है, वाटर इनटेक जो है, ये काफ़ी अच्छा रखो अपने बॉडी के लिए। ओके, और अगर आप ल्यूक वार्म वाटर पी सकते हो विंटर में तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो डिनर, लंच, इनके 30 मिनट्स पहले और 30 मिनट्स बाद आप ल्यूक वार्म वाटर ड्रिंक करने की हैबिट डालो, काफ़ी फ़ायदा होगा। खाते समय पानी नहीं पीना, ओके, डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है उससे, और प्रेशर आता है किडनी पर भी। सो खाना खाने से पहले पानी पी लो, और खाना खाने के आधे घंटे बाद, बेस्ट होगा 45 मिनट्स बाद अगर आप पानी पीते हो तो। खाना खाने के बीच में पानी मत पियो, ओके, अवॉइड करो उस हैबिट को। बहुत से लोगों को हैबिट होती है, मुझे भी होती थी, मैं भी खाना खाते खाते बहुत ज़्यादा पानी पी लिया करता था, बट फिर मुझे कहीं से पता चला कि सही तरीका क्या होता है वाटर पीने का, वाटर इनटेक का। सो मैंने अपनी हैबिट्स चेंज की और मुझे उसका बेनिफिट मिलने लगा। सो मैं चाहता हूँ वाटर पीने का जो सही तरीका होता है, कितना पीना है, कब पीना है, ये भी आप थोड़ा मॉडिफाई करो अपने रूटीन में। वैसे कल जो हम वॉकिंग का वीडियो बनाए गए वॉकिंग स्टार पर, उसमें स्पेशली डिस्कस करते हैं हम वाटर के बारे में, ओके, कब पीना है, कितना पीना है, पूरा डिटेल में। बट इन शॉर्ट मैंने आज एक छोटा सा रूल बता दिया है आपको कि लंच और डिनर के 30 मिनट्स पहले और 30 मिनट्स बाद, ओके, 45 मिनट्स बाद पीते हो, सो वेल एंड गुड। सो अब 6th राउंड भी कंप्लीट होने वाला है, मैं 4 राउंड और कंप्लीट करूँगा। ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेता हूँ क्योंकि वीडियो फिर 20 मिनट्स से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो गाइज, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल वॉकिंग स्टार MS30। सो आई विल सी यू टुमारो। कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी वॉकिंग स्टार को फॉलो कर देना। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।